आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कप केक बनाने की रेसिपी, और इसे मैं गेहूं के आटे से बनाऊंगी जो कि बहुत ही हेल्दी होगा। तो करते हैं फटाफट शुरू। इसके लिए सबसे पहले आप बाउल में आधा कप दही ले लें, ये ज़्यादा पुराना दही नहीं होना चाहिए, फ्रेश लें। और अब हम डालेंगे आधा कप शक्कर, यहाँ पर मैं शक्कर ले रही हूँ इसलिए आधा कप ले रही हूँ। अगर आप पीसी हुई शक्कर लें तो फिर आप 3/4 कप लें। और साथ ही में डाल देंगे 1/4 कप तेल, इसलिए बिना कोई स्मेल वाला आपको ऑयल लेना है, जैसे आप सनफ्लावर तेल ले सकते हैं। ऐसे अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से इसे मिलाएंगे जैसे शक्कर जो है इसमें जल्दी से घुल जाए और बिल्कुल इसका एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। 1-1.5 मिनट तक आप हिलाएंगे तो ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ये स्मूथ हो गया है, शक्कर भी पूरी गल गई है। फिर इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। जैसे हम इसे मिलाएंगे आप देखेंगे कि बैटर थोड़ा सा फूल जाएगा, और जब अच्छे से आप मिला लें फिर उसके बाद आप इसमें डालें 1 छोटी चम्मच वैनिला एसेंस, या फिर जिस फ्लेवर का आप कप केक बनाना चाहते हैं आप वो वाला एसेंस डालें। और साथ ही मैं यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा जिसे मैंने छान कर लिया है, इसे आपको छान कर लेना है। और पहले हम आधा डालेंगे और फिर आधा डालेंगे, तो इसे आधा डाल के मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद बचा हुआ आटा डाल देंगे। आप इसकी जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, पर गेहूं के आटे से भी बहुत ही बढ़िया ये कपकेक अच्छा स्पंजी सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। तो अच्छे से हम इसे मिलाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ बैटर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और मिलाएंगे। तो जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप दूध डालते जाएं और इसे मिलाते जाएं। तो यहाँ पर मुझे करीबन 1/3 कप दूध लगा है, तो ये डिपेंड करता है गेहूं के आटे में, कभी कम दूध लगता है कभी ज़्यादा, तो जितनी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से डाल दें। और अच्छे से देखिए मैंने मिला लिया है, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और फिर इसमें हम थोड़ा टूटी फूटी भी डाल देते हैं, आप चाहे तो इसके जगह ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और मिला लेते हैं। ये तो यहाँ पर तैयार हो गया है बेटा, और इसे हम डाल देते हैं कप में। तो यहाँ पर ये इस तरह के मेरे पास कप हैं, अलग अलग डिज़ाइन के कप्स आते हैं, आप चाहे तो डिस्पोजल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास डिज़ाइनेबल कप ना हो तो आप डिस्पोजल में बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं हो तो आप कटोरी में भी बना सकते हैं। पर उसके लिए फिर कटोरी को ग्रीस करना होगा तेल से, तेल लगा के उसमें आप थोड़ा सा आटा डाल के सभी तरफ उसे फैला लें और फिर उसमें ये बैटर को डालें। इसी तरीके आप कप में भी बना सकते हैं, चीनी के कप में। और जब भी आप बैटर को कप में या फिर केक टिन में जब भी डालें इसे 3/4 तक ही भरें, इसे ज़्यादा ना भरें। यहाँ पर मैंने कप केक को एक केक टिन में रख दिया है, आप चाहे तो प्लेट में भी रख सकते हैं, और ऊपर से भी हम थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देते हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई में बेक करेंगे। पहले हमें कढ़ाई को प्री हीट करना होगा, उसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और स्टैंड रख देंगे, और इसे हम ढक के 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देते हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें कपकेक रख देंगे। अब इसे हम ढक देते हैं और धीमी फ्लेम पर इसे हमें 20 से 30 मिनट के लिए बेक करना है। तो 20 से 25 मिनट बाद आप एक बार चेक कर लें। तो इसे अब हम चेक कर लेते हैं, 25 मिनट्स हो चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छे से बैक हो चुके हैं, कितने अच्छे से फूल गए हैं। और बीच में आप टूथपिक या चाकू डाल के देखेंगे तो बिल्कुल ये साफ निकल कर आ रही है, मतलब कि कपकेक हमारा बन चुका है। बस इसे हम निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मैं आपको निकाल के बताती हूँ, आप इसे चाहे तो उसको चाकू से पहले थोड़ी जगह कर लें और निकाल लें, या फिर आप पेपर इसका फाड़ के भी इसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी निकल जाता है। तो देखिए कितना अच्छा ये सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पंजी बना है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और साथ ही में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।